में आज ऐसा महसूस होता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो व्हाइट हाउस है वो एक टीवी सीरियल का स्टेज बन चुका है। रोज़ ना रोज़ वहाँ पर पर्दा उठता है सुबह और शाम, और पार्ट वन और पार्ट टू लोग देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन सी घटना घटी है। जो नेशनल अफेयर्स हैं, इकोनॉमी है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, उन पे कम ध्यान दे रहे हैं लोग। सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स वहाँ पर कौन बदल रहे हैं और किसको क्या हो रहा है। चंद दिनों में ही दो बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी पे काफ़ी नेगेटिव असर डाल सकती हैं। लेटेस्ट वो खबर है कि जो ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार थे, जो उनके अमित शाह माने जाते थे, उनका नाम है स्टीव बैनन, जिन्होंने ट्रंप की बहुत सहायता की थी उनकी इलेक्शन के दौरान, और ट्रंप को बिल्कुल एक राइट विंग की दिशा में इमिग्रेशन पॉलिसीज़, टैक्सेस और रेस रिलेशंस में वो बहुत ये कट्टरवादी एक माने माने जाते थे, जो ट्रंप के एडवाइज़र बन के आ गए थे। और उनकी कोई ऐसी कोई खास पोजीशन तो थी नहीं, पर उनको चीफ स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे, उनके उनके मुख्य तांतड़ेबाज जिसे कहते हैं। और अब वो व्हाइट हाउस से हट गए हैं, मगर बैनन की किसी से बनती नहीं थी वहाँ पर व्हाइट हाउस में। और क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि वो कहते थे कि जो भी ट्रंप हैं और जो भी ट्रंप बने हैं वो मेरे कारण बने हैं, और वो किसी की परवाह नहीं करते थे, चाहे वो ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर हों, चाहे वो ट्रंप के ओन बेटे हों। इमीडिएट कॉज उनके जाने का ये था कि लोगों की मान्यता ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शार्लट्सविल वर्जीनिया में जब वाइट सुप्रेमिसिस्ट और नाट्सीज और एंटी जू और एंटी अफ्रीकन अमेरिकन और एंटी इमिग्रेंट लोगों ने हथियारों के साथ जब मार्च किया, तो ट्रंप ने इनकी निंदा नहीं की, क्योंकि बैनन साहब ने ट्रंप को ये कहा था कि यही आपके असली सपोर्टर्स हैं और इनको आपको एलिनेट नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। इसकी बहुत निंदा हुई रिपब्लिकन पार्टी में, और बड़े बड़े जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे, खासकर इंडस्ट्री में, जो जैसे कि मर्क, आईबीएम, जनरल मोटर्स, पेप्सी, और उनके जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में लोग थे, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया ट्रंप को। इसकी वजह से ट्रंप को बैनन से अलग होना पड़ा। 14 लोग आप देखेंगे जो इनके सबसे ज़्यादा इनके इनके बहुत ही क्लोज सलाहकार थे, वो निकाले गए हैं। इस तरह से व्हाइट हाउस क्या अमेरिका को चलाने में ही ट्रंप को मुश्किलें पड़ेंगी, और ये मुश्किलें आगे बढ़ती जाएंगी। इंद्रजीत भदवार, APN News, न्यूयॉर्क।